तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 2 ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, का पेपर। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन यह पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में OMR में होता है, OMR पेपर दे दिया जाता है और आपको 4 में से किसी एक आंसर को चुनना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका है इसका भाग 1, उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें हम लोग भाग 2 में 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं, हमारा आ गया 25वां क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और देखिए ये सभी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखती है, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में, तो आपका क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। क्वेश्चन है सतत शासी विकास पर निम्नलिखित कथनों की जाँच करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि चेक आउट द फॉलोइंग एजर्सन ऑन सस्टेनेबल गवर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है, सतत विकास के विचार को समझने में सहायता करना, ठीक है। सतत विकास मतलब कि ऐसा विकास जिससे हमें फायदा हो और दूसरों को, प्रकृति को कोई हानि ना हो, ठीक है, उसे ही सतत विकास बोलते हैं। अगला है इसके साथ आने वाली समस्याओं की पहचान करना, और आपका 3 नंबर है सक्रिय नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन में सहायता करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1, 2 और 3, तीनों, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों आपके जो है यहाँ पे कथनों की जांच करें, और सतत विकास से संबंधित ये तीनों कथन सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बोलिएगा यार मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या क्वेश्चन बोलें आप, क्या आंसर बोलें। चलिए धीरे धीरे पढ़ेगा आपका, क्योंकि ये पेपर थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टफ है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास चरों में से एक नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए पहला है सतत विकास के चर में से कौन कौन से नहीं है, वाहन क्षमता, ऑप्शन बी है इंटर और एंट्रा जनरेशन, क्या है जी, जनरेशनल इक्विटी, और सी नंबर है लैंगिक असमानता और विविधता, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि सतत विकास के चरों में से एक नहीं है, तो कौन सा एक नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई भी एक नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 28 नंबर, सतत विकास की 21वीं सदी की धारणा पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक प्रगति पर जोर दिया जाता है, ना सामाजिक प्रगति, ना पर्यावरण संरक्षण, ना उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी, उपयुक्त मतलब होता है ऊपर लिखित, ठीक है, और निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखित, ठीक है। तो उपवर्ती मतलब में ऊपर में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि धारणीयता विज्ञान और धारणीय विकास जैसी अवधारणाओं का अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन 2 है सामान्य तौर पर साइंस, ऑप्शन 3 है सामान्य विज्ञान, ऑप्शन 4 है भूविज्ञान। तो धारणीय विकास और धारणीय विकास जैसी अवधारणाओं के अनुप्रयोग पर्यावरण विज्ञान पर आधारित है, ठीक है, किस विज्ञान पे, एनवायरमेंटल साइंस पे, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज भाई साहब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भाई साहब बहन जी या दोस्त जो आप लोग मुझे मानते हैं, यार मैं आपको वही मानूंगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना दिमाग को दही बनाने वाले क्वेश्चन है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं, निम्नलिखित हैं, तो कौन से हैं, निर्देशन या सार्वजनिक स्वास्थ्य या जीवन स्तर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि निर्देशन भी आवश्यक है, आप अपने जीवन का कैसा निर्देश करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी आवश्यक है, और जीवन स्तर स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए, ये सभी आपके सामाजिक स्वास्थ्य को मायने रखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने
कुल सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना की है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने कुल सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना कितने लक्ष्य हैं दोस्तों इसके, तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के कुल लक्ष्य 17 हैं। ठीक है, 17 प्रकार के लक्ष्य ये रखे गए हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि सतत विकास के लिए स्कूली शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र युग से है। ठीक है, तो कब के युग से है, कब यह स्टार्ट हुआ सतत विकास के लिए स्कूली शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, यह 2005 से 2014। ठीक है, 2005 से 2014 के बीच में यह कार्यक्रम हुआ। आगे देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास के लिए स्वीकार करता है कि सभी सरकारों को नीचे सूचीबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों एजेंडा 2030 में कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो कैसी कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए, अब देखिए पहला है लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और सहयोग पे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीपुल, प्लानेट, प्लानेट मतलब जैसे पृथ्वी एक प्लानेट है, 8 ग्रह है, बस इन सब पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए 2030 तक। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि सतत विकास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कितने श्रेणियों में दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आर्थिक सतत विकास, सामाजिक सतत विकास और पर्यावरण सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया कि ऐसा विकास जिससे हमें फायदा हो और हमारी आने वाली पीढ़ी तथा पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, उसी विकास को सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 श्रेणियां हैं, सतत विकास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। तो ये देखिए उसी से रिलेटेड है, आपके प्राकृतिक वातावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। देखिए आर्थिक से ही आपका यह आ गया अर्थव्यवस्था, सामाजिक से बन गया आपका समाज और पर्यावरण से बन गया आपका प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, तो सभी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली आपके यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। यार चलिए देखते हैं, आज थोड़ा जंगल गए थे ना तो क्या बताएं, दर्द करने लगा, मवेशियों के लिए चारा लाने। अगला क्वेश्चन है, जब संसाधन निष्कर्ष उपयोग प्रकृति की पुनः पूर्ति की क्षमता के बराबर होता है तो स्थिरता प्राप्त की जाती है। ठीक है, जब संसाधन निकालने, निष्कर्ष मतलब निकालने, उपयोग करने की प्रकृति और पुनः पूर्ति मतलब कि फिर से उसे लाने की क्षमता के बराबर होता है तो स्थिति प्राप्त की जाती है। कैसी स्थिति में प्राप्त की जाती है, अर्थव्यवस्था स्थिर स्थिति में प्राप्त की जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिर स्थिति में प्राप्त की जाती है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे सच में, और ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है। अगला है, आत्मनिर्भर प्रणालियों को डिजाइन करना दीर्घकालिक प्रगति की दिशा में एक व्यवहार्य मार्ग है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर प्रणालियों की डिजाइन करना दीर्घकालिक प्रगति की दिशा में एक व्यवहार्य मार्ग है। ठीक है, तो ये कैसा है, प्रतिवर्ती और नगम्य। ठीक है, प्रतिवर्ती और अनम्य, सॉरी। ठीक है, इंग्लिश में है कि खोल दीजिए उसको, चलिए। तो अगला हो गया इसका रिवर्जिबल एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है टिकाऊ खेती के घटक इस प्रकार हैं। तो दोस्तों टिकाऊ खेती के घटक किस प्रकार हैं, द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग आर एज फॉलोस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिकाऊ खेती के जो हैं घटक 3 घटक हैं, पहला है आपका पर्माकल्चर, दूसरा है आपका एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब घास की खेती, मिश्रित खेती मिक्सिंग फार्मर्ड मिक्सड फार्मिंग, और चौथा है आपका पूर्ववर्ती सभी। ठीक है, यानी कि ऊपर में जितने भी दिए गए हैं ये सभी। 38 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों जिस ऊर्जा को हम लोग ख़त्म करें फिर भी उत्पन्न कर सकें, ख़त्म ही नहीं होगा मतलब बार बार उत्पन्न कर सकें, उसी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल यह अच्छी स्थिति में है, इट इज इन गुड कंडीशन। और बी नंबर है, एक लंबी अवधि में उपयोग करने की क्षमता मतलब ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि पानी
उपयोग कीजिएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा धरती में, फिर से तो हम लोग के पास ही आएगा, फिर बादल जाएगा आसमान, फिर वर्षा होगी, फिर नीचे, तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। सतत विकास की मांगों को पूरा करने वाली प्रौद्योगिकी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सतत विकास को पूरा करने वाली प्रौद्योगिकी को आमतौर पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपयुक्त प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। सतत विकास की दिशा में पहला कदम कहाँ उठाया गया? तो दोस्तों सतत विकास की यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे पहला कदम जो उठाया गया था वह उठाया गया था कहाँ पे? स्टॉकहोम सम्मेलन, ना बैंकॉक सम्मेलन, ना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, यहाँ पे इसको मैंने टिक नहीं लगाया है, स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर सतत विकास के क्षेत्र में पहला कदम उठाया गया था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गरीब वे लोग हैं जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और जाते हैं, मतलब क्या? तो मंथन गरीब वे लोग हैं जो, मंथन गरीब उन लोगों को कहा जाता है जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और जाते हैं। जैसे काम चला तो अमीर, काम नहीं चला तो गरीब, मतलब गरीबी देखा से अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, उसको हम लोग मंथन गरीब बोलते हैं। ठीक है, मंथन गरीब, या फिर उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी, अस्थाई या क्षणिक गरीब बोलते हैं। वैसे गरीब जो कि गरीबी रेखा में जाते हैं और फिर आते हैं उसको बोलते हैं अस्थाई या क्षणिक गरीब। ठीक है, अस्थाई या क्षणिक गरीब, कुछ क्षण के लिए गरीब बनता है, बाकी फिर वह मिडिल क्लास में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अस्थाई या क्षणिक गरीब, जिसमें कि हम लोग झारखंड के मैक्सिमम लोग आते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि ऊपर में से कभी नहीं, कभी कभी जीर्ण मंथन। और डेफिनेटली आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं बताऊंगा ना वीडियो के एंड में बताऊंगा, सबकी हौसे उड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता है? तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता क्या है? देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि आपका गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो होते हैं वे जो कर्ज के जाल में दबे होते हैं। ठीक है, हमेशा कर्ज होता है उनके ऊपर, मतलब मैक्सिमम केस में बताता हूँ ये बताया गया है। लैंगिक असमानता, वे पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की में भेद करते हैं उनके घर वाले। खराब स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, ये होते हैं गरीबों की विशेषता, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बताऊँ यार, जब ये स्थिति खुद पर गुजरेगी ना तब हालत ख़राब हो जाता है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग समझ सकते होंगे क्योंकि आप लोग इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और झारखंड हमारा इस तरह है ना कि क्या बताएं। चलिए जो भी है, धीरे धीरे चेंजेस होगा। MPCE का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो MPCE का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज़ पूछा गया है दोस्तों। MPCE मतलब होता है मंथली पर कैपिटा इनकम, या पर कैपिटा इनकम को पर मतलब मंथ में प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी होती है, इसी को समझ लीजिए। ठीक है, या फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इनकम के जगह यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मतलब कि कितना खर्चा होता है एक महीने पे प्रत्येक व्यक्ति पे। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मंथली पर कैपिटा इनकम, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक व्यक्ति महीने में कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा MPCE का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में कितना खर्च करते हैं। आप लोग कितना खर्च करते हैं? मेरा तो लगभग कितना होता है यार, हाँ 1000 रुपये महीना लगभग हो जाता है, तो मैं कमा भी लेता हूँ। ठीक है, 10-15 हज़ार मैं कमा भी लेता हूँ, अभी फ़िलहाल उतना सा काम चल रहा है, बट आने वाले समय में नहीं चलेगा। आप लोग भी दोस्तों, अब जब 21 साल प्लस हो जाएंगे ना, मैं तो कहूँगा 18 साल प्लस हो जाएंगे और काम करना शुरू कर दें। मैं 18 साल प्लस हो गया था और काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपना खर्चा से ही मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, MA कंप्लीट किया, और अपना मतलब जो भी है लाइफ का। आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि अपने बलबूते पे रहें, चाहे आपके बाप कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गए ना, तो डेफिनेटली बता दे रहा हूँ आने वाले 5 साल में आपके टक्कर में आगे रहेंगे आप अपने दोस्तों के मुकाबले। ठीक है, अगर आप 18 साल में कोई ना कोई काम पकड़ लेते हैं तो,
18 से 21 साल के बीच में डेफिनेटली अपने आजीविका का खर्चा कम से कम अपना तो निकाल ही लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीख ले लीजिए। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्वरोजगार कार्यक्रम के उदाहरण हैं। दोस्तों स्वरोजगार मतलब सेल्फ रोजगार, हम किसी से रोजगार नहीं ले रहे हैं, हम खुद रोजगार कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी राइट आंसर होगा, मतलब कि आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपका स्वरोजगार का उदाहरण है। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं SJSRY का फुल फॉर्म पूछ देगी, SJSRY का फुल फॉर्म बताइए, स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, और बी नंबर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PMRY। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म शॉर्ट नेम लिख के, एब्रिविएशन शॉर्ट जो होता है ना, जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पे PMRY, तो इसको एब्रिविएशन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन वर्ड। ठीक है, एब्रिविएशन वर्ड का फुल फॉर्म होता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक गरीब का हिस्सा है। क्षणिक गरीब मतलब कि कुछ क्षण के लिए गरीब बनता है। ठीक है, तो क्षणिक गरीब का हिस्सा है आपका मंथन गरीब और कभी कभार गरीब। ठीक है, ऑप्शन ये दो क्वेश्चन आ गए आपके इससे रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण की चुनौती क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण दोस्तों पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में, पूरे भी विश्व में जहाँ पर भी जाएं आपको कोई रोक टोक नहीं हो, कहीं पर भी आप अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि विश्व को एक बाजार बनाना ही ग्लोबलाइजेशन है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियाँ कौन सी हैं, तो विश्व को एक बाजार बनाने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि विदेशी श्रमिकों का शोषण होता है। जैसे हमारे झारखंड के श्रमिक चले गए थाईलैंड, चाहे कुवैत चल जाते हैं, चाहे सऊदी अरब चल जाते हैं, पता चलता है रोजगार में पेपर में आता है कि सऊदी अरब में जाकर हमारे झारखंड के 20 मजदूर वहाँ पे फंस गए हैं, तो शोषण होने लगता है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो एक्सप्लोइटेशन इसको बोलते हैं, एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेन वर्कर, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, एक्सप्लोइटेशन इसका मतलब होता है शोषण। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर आप बुरी तरीके से उसके काम करवाते हैं, ठीक है, उसके मर्जी के बिना, तो उसी को बोलते हैं शोषण। अगला है बहुराष्ट्र कंपनियों के विस्तार में कठिनाइयाँ। ठीक है, बहुराष्ट्र कंपनी के विस्तार मतलब बहुत सारे उद्देश्य से जो कंपनी आती हैं अलग अलग देशों से, तो उनके बैठने में कंपनी का दिक्कत होता है, कहीं पे जगह नहीं मिलता है, कहीं पे अनुमति नहीं मिलता है, कहीं पे वैसा माहौल नहीं बनता है। ठीक है, सी नंबर है निर्यात करों में उच्च शुल्क, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है अमेरिका को कोई सामान दे रहे हैं, तो उन लोग टैक्स लगा दिया है कि इतना टैक्स दीजिएगा तब आप जो है अपना भारत का सामान अमेरिका में बेच पाइएगा। चाहे चीनी वाला को हम लोग टैक्स लगा दिए हैं कि आप अपना रेडमी का मोबाइल तभी बेच पाइएगा जब आपको हमको इतना टैक्स दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स ले लेते हैं। जैसे किसी सामान का आपको मालूम है, ये जो आता है ना आपका पेट्रोल, ये सऊदी अरब से कितना में आता है? 10 से 12 रुपया में आता है। ठीक है, 10 से 12 रुपया का आता है पेट्रोल, लेकिन टैक्स इतना लग जाता है ना कि यहाँ पे आते आते, मतलब अब तो 20 रुपया हो गया होगा मान लीजिए ना, तो यहाँ पे आते आते टैक्स इतना लग जाता है कि यहाँ पे 100 रुपया हो गया है पेट्रोल। समझ गए हैं बात को? और आपको पता है भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो खर्चा होता है ना, पेट्रोल पे खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल पे। ठीक है, डी नंबर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी कठिनाइयाँ हैं विश्व को बाजार बनाने में। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथन है सही, इसको पहचानना है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक के सदस्य देशों को ऋण देता है, विश्व बैंक उसी सदस्य देशों को ऋण देता है जो उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसका मुख्यालय आपका Washington DC है, अमेरिका की राजधानी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो और इसके सदस्य देशों की संख्या है 189, मैंने लिख दिया है 189। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण के साथ एक बाजार बन गया है। तो दोस्तों भारतीय बाजार जो है वैश्वीकरण के साथ एक कैसा बाजार बन गया है? क्रेता बाजार। ठीक है, कैसा बाजार? क्रेता बाजार, बायर मार्केट। ठीक है, जहां पे खरीदा जाता है। आगे देख लेते हैं 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय संघ के बारे में सही नहीं है। दोस्तों यूरोपीय संघ एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और इसके बारे में कथन सही नहीं है कि यूरोपीय संघ जो है सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों को अपने
देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, बल्कि इसका मतलब समझे, यूरोपीय संघ में शायद अभी 32 या 28 कंट्री हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो यूरोप के इतने कंट्रीज हैं, इन सभी के जो है मुद्राओं में मैक्सिमम की संख्या, जितने भी 28 या 32 देश हैं इनमें से मैक्सिमम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है? यूरो एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक है, यूरो। और यूरो मुद्रा जो है ये बोल रहा है ऑप्शन कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। नहीं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि यूरो का उपयोग नहीं करते हैं और यूरोपीय संघ के सदस्य भी हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही, यानी कि जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थापक देश है, ठीक है। फिर है एक्रोसिया, यूरोपीय संघ का नवीनतम देश है, मतलब हाल ही में जुड़ा है एक्रोसिया यूरोपीय संघ के साथ। सी नंबर, यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, सबसे छोटा देश है माल्टा। नाम भी सुनने से लगता है कि यार कोई, हम लोग उपनाम चुनते हैं ना जिसको नामठा बोलते हैं, नेटा, ठीक है, तो वही लगता है माल्टा। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, ठीक है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को, मतलब कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जो है चला सकता है न्याय, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कहाँ पे है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में है, द हेग बोला जाता है इसको, द हेग, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि एक बात बताए थे कि हम बताएंगे, आप देखिए वो बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर है दोस्तों, ये इतना हाई लेवल का पूछा जाता है कि क्या बताएं। ये जितने भी क्वेश्चन देखे ना आप लोग नाम सुने होंगे, एक मिनट रुकिएगा, ये मेरा पावर बैंक कहाँ गया यार। आपने नाम सुना है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सुने होंगे। यह एक बहुत हाई लेवल का रैंक होता है, समझ लीजिए कि एक IAS ऑफिसर होता है ना, बस उसके लेवल का रैंक। और दोस्तों उसमें ये MBA जो होता है ना, MBA एक कोर्स होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, वहाँ पे ये कोर्स में पूछा गया सभी क्वेश्चन है। मैंने खुद देखा है यार, अनअकैडमी में सभी अपलोडेड थे क्योंकि मैं अक्सर उस सब में विजिट करते रहता हूँ, तो मुझे देखा गया यार सब क्वेश्चन वहाँ से मैच कर रहा है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी वाले कितना गद्दारी करते हैं कि डायरेक्टली आपका सेमेस्टर 2 का बच्चा कितना माइंड रहेगा यार उसके पास, और ये सारे क्वेश्चन दे रहा है। दोस्तों डेफिनेटली अगर आप लोग पढ़ के नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ, हालत ख़राब कर देगा ये, इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। और ग्रेजुएशन मतलब सरकार का मुद्दा बन गया है कि यार बच्चा पढ़े ना तो ग्रेजुएशन पूरा टॉप लेवल का बच्चा हो, नहीं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली मैं लिख के दे दूंगा कि एवरेज बच्चा आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा, जो इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है वो नहीं कर पाएगा, सीखना होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं जानते तो सीखिए दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना सीखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे चुनौती आ रहा है। मैथ सीख लीजिए क्योंकि मैथ अब आपको जानना ही पड़ेगा, मैथ तो हल्का फुल्का जानता है, इंग्लिश नहीं जानता जर्मन का बच्चा, इंग्लिश में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे टिक पाएंगे ग्रेजुएशन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तब फिर कहाँ से कीजिएगा, इग्नू से, इग्नू 3 ईयर का होता है लेकिन वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने जो भी चीज़ें हैं ना सच्चाई में बता देता हूँ खुल के यार, अपने दोस्त को जैसे मैं बता देता हूँ कि देखो यार यहाँ पे ना ग्रेजुएशन के बच्चे को इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे बच्चा पास ही नहीं कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप लोग पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते हैं बाप बोल देता है आदमी जब उसका तैयारी करता है तो, ठीक है, और वो चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो आप लोग पास करने का एक ही तरीका है, पूरा पढ़िए डेफिनेटली, ठीक है, और तभी जाके आपका कल्याण होगा, कल्याण वस्तु। दोस्तों मैं आपके दोस्त की बात ही समझ जाता हूँ, और देखिए जो भी मुझसे हो पाता है बन पाता है मैं आपको देता हूँ। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। बाकी जितने भी पेपर हैं मेरे पास सब मैं अपलोड कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। और अगर आप ग्रेजुएशन करके निकल गए ना तो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन पिछले वाला जो बच्चा होता है, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन MA दोनों जो किया है ना उसके टक्कर के आपके हो जाएंगे, आपकी तैयारी इतना डेंजर हो जाएगा ना कि बच्चा को पूछ दीजिएगा ना तो वहाँ ही पे वो खड़े खड़े, इस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन बच्चा को खेल नहीं हो गया, अब यह पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत होगी इस वीडियो का, ठीक है, बाय।